टिड्डी समस्या को लेकर गहलोत सरकार गंभीर है। टिड्डी हमले और नियंत्रण को लेकर सीएमआर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। सीएम गहलोत की तबीयत नासाज होने के चलते सीएसडीबी गुप्ता ने वीसी की कृषि विभाग के आला अधिकारियों से फीडबैक उन्होंने लिया। टिड्डी नियंत्रण को लेकर किए गए प्रयासों की जानकारी यहां पर ली गई। वीसी से जुड़े कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और मंत्री भजनलाल जाटव, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी भी इस वीसी से जुड़े। सीएम की तबियत नासाज होने के चलते सीएसडीबी गुप्ता ने ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरुका फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पिंटू, देखिए बैठक खत्म हो गई है और तमाम जो रणनीति है टिड्डी नियंत्रण को लेकर वो बनाई गई, साथ ही जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनसे भी राय जानी गई और सीएसडीबी गुप्ता ने ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, क्या अपडेट? देखिए मनीषा, टिड्डी समस्या को लेकर गहलोत सरकार काफी गंभीर है। सीएम अशोक गहलोत पहले भी कई मीटिंग ले चुके हैं, कई परवारी लगा चुके हैं इन तमाम समस्याओं को लेकर, टिड्डी की समस्या को लेकर, और केंद्र सरकार को पत्र भी लिख चुके हैं कि जो टिड्डी चेतावनी संगठन है उसको मजबूत किया जाए और जो राज्य सरकार है, खासतौर पर राजस्थान जो सीमावर्ती पाकिस्तान से लगते हुए जो जिले हैं, उन राज्यों को संसाधन उपलब्ध कराएं ताकि इन टिड्डी की समस्या पर नियंत्रण किया जा सके और समय पर कदम उठाए जा सके ताकि किसानों को नुकसान नहीं हो। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक बुलाई थी, समीक्षा बैठक बुलाई थी टिड्डी नियंत्रण लेकर। उनकी तबीयत नासाज थी, इसके चलते मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने यह बैठक ली और तमाम जो कृषि विभाग के आला अधिकारी है वो वीसी से जुड़े, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और मंत्री भजनलाल जाटव, ये लोग वीसी से जुड़े और जो अब तक कृषि विभाग की ओर से जो कदम उठाए गए हैं इस टिड्डी की समस्या को नियंत्रण के लेकर, उन सबका फीडबैक लिया और सीएसडीबी गुप्ता ने जाना कि अब तक क्या प्रयास विभाग की ओर से किए गए हैं और आगे की क्या रूपरेखा है, क्योंकि बड़ी तादाद में माना जा रहा है कि अफ्रीकन देशों में टिड्डियों का प्रजनन इस बार हो रहा है और सामने खरीफ की फसल की बुआई का समय आ गया है, तो इससे पहले ही समय रहते पहले ही कदम उठा लिया जाए ताकि जब टिड्डी का दल आए और फसल यहाँ पर उग सके उस नुकसान उससे पहले ही कड़ा कदम उठाएं ताकि नुकसान नहीं हो, क्योंकि अब मानसून का समय हो रहा है और बड़ी तादाद में यहाँ पर राजस्थान में खरीफ की बुआई होती है, क्योंकि राजस्थान में जो फसल होती है वो बड़े तौर पर खरीफ की फसल होती है और अगर उसी में अगर टिड्डी दल यहाँ पर आक्रमण करता है तो बड़ी नुकसान की संभावना रहती है और किसानों को एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें भी हैं। जिस प्रकार से इस बार पश्चिमी राजस्थान से बढ़कर पूरे राजस्थान में टिड्डी के दल आए, उसे कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं और इस चीज को सीएम अशोक गहलोत गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था टूटी है और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है, एक बड़ा माध्यम है कृषि के द्वारा अर्थव्यवस्था को बल देने का, और कहीं ना कहीं टिड्डी हमला करता है, टिड्डी दल आता है और फसलों को नुकसान होता है तो ये एक बड़ी समस्या हो जाएगी। उसी को लेते हुए गहलोत सरकार गंभीर है और पूरी मॉनिटरिंग इसकी सीएम अशोक गहलोत खुद कर रहे हैं कि समय रहते कदम उठाए ताकि टिड्डी दल राजस्थान में फसलों को नुकसान नहीं कर सके। जी बिल्कुल पिंटू, तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें टिड्डी के टेरर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी चिंतित हैं और लगातार फीडबैक वो ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञों से, उनकी राय जानी जा रही है कि किस प्रकार से आखिर ये जो टिड्डी टेरर है इसे कम किया जाए और टिड्डियों का खात्मा किया जाए।